नमस्कार, मैं हूं ज्योति। फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी सरकार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु और खासकर चेन्नई में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते वहां के स्कूल और कॉलेज भी बंद करवा दिए गए हैं। ब्रह्मपुत्र को लेकर चीन ने एक नया प्लान तैयार किया है। चीनी इंजीनियरों ने ब्रह्मपुत्र के पानी को डाइवर्ट करने के 1000 किलोमीटर का एक टनल बनाने का फैसला लिया है। चीन के इस फैसले पर भारत ने आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी के बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी आधार के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आधार लिंक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला खारिज कर देगा। भारत की पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 33वीं पुण्यतिथि है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर लिखा है कि भारत और भारत के लोगों के लिए इंदिरा गांधी और उनका जुनून यादगार है। कांग्रेस और पाटीदार नेताओं के बीच सोमवार को मीटिंग हुई। हार्दिक पटेल मीटिंग में तो शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारी 5 में से 4 मांगे मान ली है। कांग्रेस ने आरक्षण को एक टेक्निकल मुद्दा बताया है। केंद्र सरकार ने सेक्स चेंज करवाकर लड़का से लड़की बने नीवी सैरल को केंद्र और नेवी से दूसरी जॉब ऑफर करने के बारे में विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि मनीष कुमार गिरी नेवी में सेलर पोस्ट पर थे। पिछले साल उन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाया था, जिसके बाद नेवी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। 1 नवंबर से लागू हो रहे रेलवे के नए टाइम टेबल में कई ट्रेनों का समय बदलेगा। इसमें इलाहाबाद डिवीजन की 48, झांसी डिवीजन की 20 और आगरा डिवीजन की 19 ट्रेनों का समय बदलेगा। आईपीएस के एक अधिकारी को यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में ब्लूटूथ उपकरण के साथ नकल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अधिकारी प्रश्नों के उत्तर के लिए हैदराबाद स्थित अपनी पत्नी से बात कर रहा था। लागत बढ़ने की वजह से फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन की कीमतें अगले महीने से 3-5% तक बढ़ सकती है। कच्चे माल की लागत के बढ़ने के चलते व्हाइट गुड्स कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। कीमतों का असर दिसंबर से दिखना शुरू हो जाएगा। आज फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।